नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में आज 10/5/2020 को 14 और केस कोरोना पेशेंट पाए गए हैं। जिस इलाके में कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, उस इलाके में पूरी तरह से टीएमसी ने इमारत को सील कर दिया है। जो लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि मुमरा कौसा में सिर्फ कोरोना पेशेंट की आंकड़े बताकर डराते हैं, जो लोग इस महामारी के बीच कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक होकर आए हैं या नहीं, तो हम उनको बता दें। 10/5/2020 तक आज तक का आंकड़ा है मुमरा कौसा में कोरोना पेशेंट के यानी केसेस की कुल संख्या 104 हो चुका है और इसमें से ठीक होकर अब तक आए हैं 36 लोग। यानी 36 लोग आ चुके हैं ठीक होकर। कोरोना पेशेंट जो थे, जो आंकड़े में शामिल हैं, वो 36 लोगों को जो है वो ठीक होकर आ चुके हैं और अधिकारियों का कहना है जल्द और लोग भी ठीक होकर अपने घर वापस आएंगे। और इस बीच हम आपको एक और खबर बता रहे हैं। कलवा मुमरा के विधायक व महाराष्ट्र के गृह मंत्री जितेंद्र आव्हाड 21 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, यानी इलाज के दौरान 21 दिन उनका इलाज चला, उसके बाद कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आए हैं। जिस तरह से पिछले दिनों खबर आई थी गृह मंत्री जितेंद्र आव्हाड की, तो उनके चाहने वालों में, उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी मायूसी देखने को मिली थी। लेकिन कल से जैसे ही जितेंद्र आव्हाड की तबीयत में सुधार आई और उसके बाद लोगों में, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिला। बहरहाल जितेंद्र आव्हाड अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और वो अपने घर पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुके हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।